और बीकानेर संभाग का तापमान चूरू का तापमान बहुत उच्च स्तर पर जा रहा है, क्या आपसे आशा की जाएगी कोई पर्यावरण पैकेज चूरू जिले को या बीकानेर को मिलेगा? देखिए ये विषय 4-5 दिनों से मीडिया में भी मैं देख रहा हूँ, तो विषय है कि 49 तक तो तापक्रम गया है चूरू का, एक्सेस हीट और एक्सेस कोल्ड एरिया चूरू है, लेकिन पूरे संसार में अभी सुनने में आ रहा है कि 50 को क्रॉस किया था सर, किया है, लेकिन इसमें तो इसके लिए वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने बात की है मेरे से, चला के फोन आया है, क्योंकि विश्व साइकिल वाले दिन वो भी साइकिल से गए थे मंत्रालय और मैं भी, बिल्कुल हमने चर्चा की थी, तब ये तापक्रम का विषय भी है, हमने कहा इसका अध्ययन कराइए, क्या क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है सर, क्लाइमेट क्या ग्लेशियर निकलने वाला हिस्सा है, तो दो भी हिस्सा इसमें जैसे भी इसका ये 50-49 से छुट्टी जाना ये भी एक विषय है, और इसके लिए हमारा जो मंत्रालय है हर्षवर्धन संभाल रहे वो इसमें परीक्षण कर रहे हैं। भारत के सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में चूरू जिला तीसरे नंबर पे है कि सबसे कम वन सबसे कम पेड़ चूरू जिले के, देश की आजादी के 70 साल के बाद भी कोई पर्यावरण पैकेज चूरू को पेड़ लगाने के लिए नहीं मिला है। पर्यावरण पैकेज तो जापान के साथ मिला ही था भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, सैंड ड्यून्स स्टेबिलाइजेशन का बड़ा प्रोग्राम था अभी शुरू में, तो कलेक्टर रहा हूं, मुझे मैं तो रिव्यू करता था, जापान की सहायता आती थी, लेकिन सैंड ड्यून्स भी बहुत है, तो सैंड ड्यून्स होते हैं ना जिस जगह वो एक्सेस हीट और एक्सेस कोल्ड का एरिया बनता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें हम हमारे जो मंत्रालय हर्षवर्धन जी संभालते हैं उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस समय आगे आपको दोबारा बात करेंगे। ठीक है सर।